उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ में अब तक 123 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और भोले बाबा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भोले बाबा के समर्थक भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भोले बाबा उप नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया गया तो वो मारकाट मचा देंगे। एक चीज और आप मुझे ये बताइए कि बाबा जी को लेकर आप क्या मानते हैं, अगर जो उनपे आरोप लग रहे हैं उसके बाद आप ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बाबा जी बहुत बढ़िया है, ये तो पाखंडी उन पर दोष लगा रहे हैं। अगर अगर बाबा के खिलाफ कुछ होता है तो आपकी क्या आगे? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? बिल्कुल मरेंगे और मारेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये जो हाथरस में हुआ है, ये इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा जी को लोग ये कह रहे हैं कि वो न तो पुलिस को आने देते हैं ना अपनी व्यवस्था संभालते हैं, तो ये कितना गलत है? ये बिल्कुल झूठ है। बाबा जी किसी से नहीं कुछ कहते। इतने सालों से आप बाबा जी से जुड़े हुए हैं? 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार आप निरंतर? हाँ, बाबा जी के जो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बाबा जी के दर्शन भी है, सब बात है। कौन से बाबा जी के साथ हैं आप? भोले बाबा के शंकर में। क्या है उनका स्लोगन, क्या है? नारायण विश्वहरि कि जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नाम क्या है, असली नाम क्या है उनका? भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं। सूरजपाल है? हाँ, सूरजपाल सिंह भोले बाबा जी।